हम अक्सर सोचते हैं कि क्या है ये जिंदगी, अनुभव का दरिया है जिंदगी, अनुभव का दरिया है जिंदगी, तो गलती करवाने का जरिया भी है जिंदगी। कोई यहाँ बिना सोचे ही हमें मिल गया है, कोई यहाँ बिना सोचे हमें मिल गया है, तो किसी को हमने सोच सोच कर रखा फिर भी वो बिछड़ गया है। अनुभव देने वाली ये जिंदगी, अनुभव देने वाली ये जिंदगी हमें बचकानी हरकतें भी तो बहुत करवाती है, हमें अपना आदि बना लेती है कुछ खट्टे मीठे लम्हे देकर, हमें अपना आदि बना लेती है ये कुछ खट्टे मीठे लम्हे देकर, तो हमें रोज रोज अलग टेस्ट देकर ये एडिक्टेड भी बना लेती है। कोई यहाँ खुशी खुशी रह लेता है, कोई यहाँ खुशी खुशी रह लेता है, अपने सारे गम छुपाते, तो कोई शायद छोटी सी बात पर भी यूं ही हल्ला मचा देता है। बस करे अगर कुछ यूं इजहार, हम करे अगर कुछ यूं इजहार, तो इस व्हाट्सएप के इमोजीज वाली जिंदगी को जीने के लिए ये खत लिखने वाला माइंड थोड़ा तो हमें आगे लाना ही होगा ना। उसे समझने के लिए हम खुद को सुधारना चाहते हैं, जब उसे समझने के लिए हम खुद को सुधारना चाहते हैं, तो कमीने दोष देकर ये फिर से हमें कुछ बिगाड़ देती है जिंदगी। रोना चाहे जब हम रोना चाहे तो एक मीठी सी मुस्कान की वजह दे जाती है ये जिंदगी। समझना आसान नहीं है कि क्या है ये जिंदगी, अगर कुछ फिल्मी स्टाइल में समझे हम इस जिंदगी को, तो हम भाई ठहरे हम गांव के, तो ये कुछ मुंबई सी फास्ट फास्ट लाइफ वाली है जिंदगी। अगर हम कुछ मेलोडियस ट्यून्स से ठहरे, तो ये हनी सिंह की बेटी निकलती है जिंदगी। हम ठहरे भाई राजेश खन्ना वाले, पर वरुण धवन सी निकलती है ये जिंदगी। अब ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को जीने के लिए थोड़ा कलरफुल टीवी लेना ही पड़ेगा शायद हमें। कुछ हसीन देने वाली ये जिंदगी बस दो लाइन के बीच में है, ये वाला मेरा सबसे फेवरेट है कि ये हसीन जिंदगी कुछ दो लाइन के बीच में है कि जब छोटे से थे तब माँ बाप के बेपनाह प्यार से लेकर प्यार पर से तो अब शायद विश्वास ही उठ गया है, बस इसी के बीच में है ये जिंदगी। थैंक यू सो मच।